हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हेल्दी फूड रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं ब्रेड पकौड़ा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने बढ़िया बने हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्रेड लिए हैं और मैं ये ब्रेड काट लूँगी। ऐसे काट लेना है ब्रेड को। सारे ब्रेड जो हैं ऐसे तैयार कर लेने हैं। मैंने सारे ब्रेड जो हैं वो काट लिए हैं। अब बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच दही, 1 चम्मच हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन जिसे हाथ से ऐसे क्रश कर लूंगी अच्छे से, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें पानी डालूंगी। पानी हमको एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और एक पतला सा बैटर बना लूंगी। ये हमारा बैटर तैयार है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये तेल गरम हो चुका है। हमने जो बैटर तैयार किया था उसमें हम ये ब्रेड को ऐसे डुबो देंगे अच्छे से। और तेल में ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड जो है वो फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।